अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिस इज़ फरीन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। या मैं ठीक हूँ। और रैन शकील जा चुके हैं, रैन हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। वैसे जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम रैन, सलाम करते जाते हैं। कैसे गेट बंद करना, ठीक है? यहाँ उम्र खैर अभी सो के उठी हैं और मैंने लगाई है मशीन में, कपड़े धो रही थी, ये सो रही थी तो मैंने कहा मैं कपड़े धो लूँ। तो बस ये अभी थोड़े कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं, थोड़े कपड़े मैंने वॉश कर लिए, ये वॉश कर रहे मैं थोड़े कपड़े, ये यहाँ पे थोड़े कपड़े मैंने ये वॉश कर लिए हैं, बाकी मशीन में पड़े हैं, बाकी मैं वॉश करने हैं टब में पड़े धोने के लिए। और ये उठते ही उन्होंने ले लिए टॉफ़ी। मुझे पहले ब्रश करते हैं बाल, देखो कैसे हो रहे सारे बाल। मैंने रात को ना इनके सर में ऑयलिंग करी थी कि सुबह नहीं लाऊंगी इनको, इस वजह से लाओ दो डस्टबिन लाना। अच्छा डस्टबिन लाना है। चलो फिर जल्दी जल्दी से कुल्ली करो फिर नाश्ता करो, ठीक है? जेली है ये, चॉकलेट वाली टॉफी है। बस जल्दी से उठ ब्रश करो नाश्ता करो, ठीक है? अभी उठिए नाश्ता करेंगी, देखेंगे खांसी कितनी हो रही है, दवाई भी पीना, ठीक है? रयान स्कूल से आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, आइए यहीं उतारिए। तो कैब कहाँ है आपका? कैब कहाँ है? टीचर के क्या वही छोड़ दिया, अब खो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कौन सा है किसका है। चलो अच्छा, कल जाके पूछना टीचर से। कहाँ जा रहे हो? बैग अंदर रखो, ये बैग कहाँ रख रहे हैं आप? वहाँ पे वो उम्र खैर तंग कर रही है, मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए। मौसम देखो कैसे चेंज हो गया, बारिश की वजह से मौसम भी चेंज हो रहा है, बादल आ रहे हैं। चलो देखो रो रही है, कह रही है मुझे मोबाइल चाहिए, मैं दूंगी नहीं जब तक ये ब्रश नहीं करेगी। टॉफ़ी खा ली इसलिए मुझसे लेके, मैं टॉफ़ी दे दें टॉफ़ी दे दें टॉफ़ी दे दी और अब ये मुँह नहीं धो रही। चलें आप कपड़े वपड़े चेंज करें, सही है? आ चुड़ाया ना हेयर कट करवा के आए, अपने दिखाना हेयर कट करवाएँ। और आज फर्स्ट टाइम रियान अकेले गए अपने बाबा के बगैर, फर्स्ट टाइम मैंने इसको भेज दिया, मैंने कहा जाओ पैसे लेके चले जाओ और ख़ुद ही हेयर कट करवा के आ जाओ। और मुझे खैर भी रेडी हो गई है नहा धो के, मुझे खैर चप्पल पहनो चलो मदरसे के लिए, वही स्लीपर वाली पहन लो। वालेकुम अस्सलाम, जाओ रियान इसको लेके जाओ, कभी गिर जाए सुनिए से, आराम आराम से जाना, सही है? सैंडल थोड़ी सी ऊँची हो तो ऐसे करो पानी सारा सारा निकल जाएगा, टॉवल से साफ करते हैं ना पानी। चलो जल्दी से उमर खैर का रुमाल ले लो, उसे साफ कर लो। चलो जल्दी जाइए, देर हो रही है बेटा। रैन जल्दी जाओ, ये दोनों आ चुके हैं मदरसे से, अब जा रहे हैं ट्यूशन। उमर खैर आपने चीज़ यहीं फिनिश कर ली ना, अब चीज़ रास्ते में नहीं मांगना, ठीक है? मैं भी जा रही हूँ इनको छोड़ने, किचन को बंद करते हैं, यहाँ पे दरवाज़ा बंद करती हूँ। रैन रुको, रैन मेरे साथ उतरना, ठीक है? मैं आ रही हूँ, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के, बस अब कमरे की सफाई करनी है, बाहर का मेरा हो गया है, थोड़ा सा जो मशीन का रह गया तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, वॉशरूम वगैरह भी धो दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए किचन का भी मैंने यहाँ का साफ़ कर लिया, किचन वचन सब अपना देखें क्लियर कर लिया, यहाँ से बिल्कुल साफ़ कर दिया। बस ये पतीली वगैरह धो के रखी है ना तो ये भी सूख जाएगी, तो फिर ये नहाने की है जो हम जिसमें पानी गर्म करते हैं ना, ये हो गए काली हो जाएगी, इसको मैं धो के अच्छी तरह धो के भी बच्चों को नहलाया। और ये थोड़ी सी बस एक पतीली है चावलों की, जो मैंने कल चावल बनाए थे वो, तो बस उसकी पतीली है। और बाकी यहाँ का बेसन वेसन मैं धो चुकी हूँ, वॉशरूम वगैरह भी धो दिया मैंने, मशीन भी धो ली अपनी पूरी, वॉशिंग मशीन भी धो धा के वहाँ रख दिए। देखें बस अब यहाँ की मैंने सफाई कर ली है और बस अब यहाँ कमरे की रह गई है झाड़ू देना, बाकी तो मैंने सब कर ली है। शकील अभी तक नहीं आई, शकील का वेट कर रही थी, कमरे की सफाई कर रही हूँ बस। अब बस सफाई करके फ्री हो जाऊँगी, फिर अपने काम करती हूँ, चेंज करना है कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है और मुकाबला सकते हैं, जल्दी करते हैं सारे काम।
यहाँ मैं काम वाम करके फारिग हो गई हूँ, बस अभी बैठी थी तो देर में आवाज़ आ गई उमर खैर के रैन की, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आराम से रैन बहन का लेके अंधेरा होता है, पकड़ के लाया कर, लाइट गई भी। आज वॉशरूम जाओगे, मकसद क्या है? आओ रैन, क्या नहीं दिखाओगी? क्यों क्यों बाहर निकाला है? आज आपने सही से काम नहीं किया। अच्छा, आज आपने अच्छा काम नहीं किया। आज आपने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम किया तो फिर आप दिखाओगे क्यों नहीं मुझे आज काम? नहीं, आपके बाबा नहीं आए अभी तक। लाइए बैग दीजिए, आप कैसे लटकाती भी आ रही हैं। सलाम करते ना बेटा, अस्सलाम वालेकुम नहीं अस्सलाम वालेकुम बोलते। गर्मी लगी, शूज़ उतारिए, शूज़ उतारिए। बाबा आ गए, आपको सलाम किया आपने? ये खुद ही नहीं, ये सही है, सही है। फौजी कट बहुत सही है ना, कट ये नजर आ रहा है। ऐसा कट लगाया है, कट लग, बल्कि यहाँ से देखो उल्टे से तो उसने कट लगा दिया। देखो यहाँ से ये उसने कैसे गंजा गंजा कर दिया। मैं थोड़ी गई थी कटवाने, वो खुद अकेले गया था, क्या करें। नहीं सही है, सही लग रहे हैं। मैंने इसको 100 rupees ही दिए थे बाल कटवाने के, वो 50 मांग रहा है इससे। बोल देते 100 rupees। शकील भाई का बेटा हूँ, आप जाना खुद बात कर लेना। मैंने कहा बाबा जाके खुद बात का बेटा हूँ, हाँ खुद जाके बात कर लेना। ये ना मस्जिद वाली ना दुकान, चश्मा लेने काटे ना, हाँ चश्मा लेने काटे जिसका कैप पीछे होता है। कैप लगा, कैप पीछे है पानी इसको। अच्छा जी, यहाँ पे खाना आ चुका है, बिस्मिल्लाह पढ़ो मुल्क है। चलो रियान खाना खाओ, मैं आपको खिलाऊंगी अपने हाथ से, आप तो नहीं खाओगे। अंडे वाला सालन, ये अंडे खाते नहीं हैं इसलिए इनके लिए अंडे, अंडा तो मैं खाऊंगी, बाकी इनको आलू खिलाऊंगी सालन के साथ। उमर खैर आपको आलू डाल के दूँ? आलू डालूँ, बड़े मज़े का सालन है। अच्छा जी, अंडे आलू का सालन है, ये अंडे आलू का सालन बॉयल बन करके बनता है। मैंने पहले ही बनाया था पर मैं रेसिपी बताना भूल गई आज, चलिए दोबारा बनाएंगे तो बता दूँगी। रियान खा लो बेटा, बाबा शकील भी आ गए हैं, बस वो खाना खाएंगे। क्या दूँ आपको, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, इधर आओ। मैं अपने हाथ तो फिर ये रो अपना प्लेट, आओ आओ। चलो जी हम लोग खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह। उमर खैर आप भी पढ़ो बिस्मिल्लाह, पढ़ी आपने? यहाँ पे लाइट जा चुकी है, अभी अभी थोड़ी देर पहले लाइट गई है, और मैं लेके आई हूँ शकील के लिए चाय। चाय बना के रखी है, शकील अभी लेट हैं, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा आराम कर रहे हैं। सुबह से गए थे, अभी आए हैं, दोपहर में भी नहीं आए थे, तो बस अभी खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर चाय पियेंगे, फिर सोएंगे, और बस हम भी सो रहे हैं। लाइट चली गई है, घर में सोने की तैयारी करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स नंबर पर। आज तक के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।